शंभो ओम शं ओम शं ओम शं। नमस्कार दोस्तों, आज की दिन की शुरुआत होती है भोलेनाथ के नाम के साथ। आज हम राइड करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर के बीच पर हम कवर करेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, ऋषिकेश से होते हुए फिर श्रीनगर और फिर चौपटा। सुना है कि उधर बहुत बर्फ़ पड़ रही है और फिर वो दर्शन करते हैं महादेव के, और बीच में आने वाली हर एक चीज़ को, हर एक जगह को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। और आप ये भी मेरे चैनल पर बने रहिए। आगे की वीडियो मैं आपको GoPro में दिखाता हूँ। चलिए महादेव का नाम लेके सफ़र की शुरुआत करते हैं। अभी हम निकले हैं सहारनपुर से। सहारनपुर से हमें पहले जाते हैं गागा लेडी, फिर गागा लेडी से भगवानपुर। गागा लेडी से राइट तरफ एक हाईवे पड़ेगा जो नेशनल हाईवे है, जो ले जाता है आपको मेरठ। उस जगह पे ना जाते हुए हमें साइड पे जाना पड़ता है। आप अगर मेरठ दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको वो हाईवे रुड़की बाईपास की तरफ से निकाल देगा, जो रुड़की से पहले हरिद्वार जाएगा, फिर ऋषिकेश, फिर आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम की यात्रा वहाँ से कर सकते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं भगवानपुर। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा रश है, वैसे भी यहाँ पे मिलता है रश क्योंकि यहाँ से रोड क्रॉसिंग वगैरह बहुत होती है। ये ऊपर देख रहे हो, ये हाईवे जा रहा है जो मेरठ दिल्ली से होते हुए आपको देहरादून ले जाएगा। हमें यहाँ से नीचे से जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लंबा ट्रैफिक होगा, निकल जाऊँगा यहाँ से। और ये हाईवे के नीचे वाली रोड है जो हमें हाईवे से जोड़ देगा, लेकिन हमें लेफ़्ट मुड़ना है क्योंकि हमें बादराबाद की तरफ से जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम रुड़की की तरफ से जाएंगे तो हमें लगभग 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा रुड़की कवर करके फिर हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो बादराबाद वाली जो साइड है वो आपको जल्दी पहुँचा देगा और शॉर्टकट भी। देखिए यहाँ से ये हाईवे चढ़ जाएगा आपका ऊपर से, और हम नीचे की साइड से जा रहे हैं क्योंकि हमें लेफ्ट पे शॉर्टकट जाना पड़ेगा। रुड़की पहुँच जाओगे, इधर से जाओगे तो सीधा रुड़की पहुँच जाओगे, और हमें लेफ्ट जाना है। यहाँ से लेफ्ट टर्न होगा और छोटा सा टर्न होगा तो हमें उस साइड जाना है। चलो चलते हैं। यहाँ से लगभग हरिद्वार हमारे को पड़ जाएगा 25 किलोमीटर, उससे पहले भाद्राबाद आएगा। तो हमें अभी रुकना है तो हम सीधा अभी हरिद्वार ही रुकेंगे। बीच में हमें कहीं चाय वाय नहीं पीनी क्योंकि हमारे पास में ही पड़ता है, हमारे घर के पास में ही पड़ता है हरिद्वार, जहाँ से हमने सफ़र की शुरुआत की थी उसके पास में हरिद्वार पड़ता है। तो हमने अभी ये प्लान बनाया कि हरिद्वार का थोड़ा सा कवर करते हैं। तो अभी हमारा जो स्टॉप होगा, नेक्स्ट स्टॉप वो हरिद्वार होगा। यहाँ से एक रोड सीधा निकल जाती है और एक रोड निकलती है राइट के साइड। इधर से हमें इधर से जाना है, ये ब्रिज क्रॉस करके हमें इधर से जाना है। रोड जो है अभी तक हमें अच्छा मिला है, काफ़ी ठीक मिला है। यहाँ तक भी आपको रोड बहुत अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट आपको चार धाम यात्रा भी करनी होगी तो अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब मिलती होगी। अभी हमने भाद्राबाद क्रॉस कर दिया है, अभी हम हरिद्वार में एंटर हो गए। अभी हमारे को हाईवे अच्छा मिल गया है तो अभी हम चल रहे हैं। वो जो लेफ्ट में आप उधर की साइड अगर आप देख रहे होंगे मंदिर दिख रहा होगा रेड से कलर में, वो मनसा देवी मंदिर है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, वो भी गंगा जो है इन पहाड़ के बीच में से निकल रही है। आगे दिखाते हैं मैं आपको। शायद ट्रेन है यहाँ से बद्रीनाथ दिखा रहा है 318 किलोमीटर। ओके, ये हाईवे के साइड से भी आपको काफ़ी सारे ट्रेन मिलेंगे जो अलग अलग घाट पर आपको ले जाएगा। लेफ्ट राइट दोनों साइड में घाट है, आपको हरिद्वार में अलग अलग घाट पर ये ट्रेन जो है वो ले जाते हैं। आगे एक शिव भगवान की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, वो शायद आने वाली है अभी। ये जो ब्रिज है इसके बराबर में से, इसके नीचे से बराबर से ये सब जगह गंगा जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये सब गंगा मैया है। और शायद वो मूर्ति भी आने वाली है। हाँ वो आ गई है मूर्ति।
ये वो मूर्ति आ गई है। ये पुराना ब्रिज है, इसके बराबर में भी अब नया ब्रिज बन गया है। ये हरिद्वार का पुराना ब्रिज है। ये मूर्ति है, बहुत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत हाइट है इनकी। मैं इनके दर्शन कराता हूँ आपको। मैं ज़रा बाइक साइड में लगा दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं। अरे भोलेनाथ के दरबार में आया, कुछ चोरी नहीं हो सकती यार। अंदर ले गया रहा बाइक। तो आप रोड के साइड में ही अपनी बाइक, अपना व्हीकल लगा कर आप अंदर एंटर कर सकते हो। एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, आ सकते हो। बड़ी ही सुंदर कलाकारी, बड़ी ही सुंदर मूर्ति भोलेनाथ बाबा की गंगा किनारे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए शिव जी की मूर्ति पे। ये हरिद्वार की सबसे ऊंची मूर्ति है। थोड़ा सा हरिद्वार क्रॉस करोगे तो आपको हाईवे पे ही एक ब्रिज मिलेगा। तो ब्रिज के पास ही ब्रिज आप दिखा सकते हो, थोड़ा दिखाइए। ये हाईवे है मैन, ये ब्रिज मिलेगा। इसी ब्रिज के साइड में ही आपको इसका मन जो है, मूर्ति जो है वो आपको बहुत दूर से दिख जाएगी हाईवे पे। तो आप इधर आके, इधर पार्किंग वार्किंग का भी है, आप इधर पार्किंग वार्किंग लगा के आप शिव भगवान की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। और इधर ही साथ ही आयो, इधर ही साथ ही आप एक घाट है, एक गंगा मैया है, जहाँ पे आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। ये मंदिर के जस्ट बगल में ही अपनी गंगा मैया बह रही है। बिल्कुल हरिद्वार की पौड़ी के पास एकदम क्या गजब नज़ारा है। एकदम गंगा मैया इधर बह रही है और मूर्ति इधर है। अभी आप प्यारा सा शॉट ड्रोन का आके देखोगे। नहीं नहीं, हाथ हाथ अपना हाथ छोड़ दो। शिव शंभु ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभु ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभु ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभु। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका।